हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग झारखंडी खाना बना रहे हैं, चिकन पतपोड़ा। चिकन पतपोड़ा के लिए पहले हम लोग चिकन ले लिए हैं और सखुआ का पत्ता एक बर्तन ले लिए हैं। इस पे हम सारे चिकन को डाल देंगे। गोटा लहसुन, कटी हुई प्याज, कुछ गोटा हरी मिर्च, कुछ कटा हुआ हरी मिर्च, आधी लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, मिक्स मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, सरसों का तेल। ये एक झारखंडी का नया डिश है। ये सारे मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर करके इसको हम आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। ये झारखंड का बहुत ही एक फेमस एक डिश है। आधा घंटा हो चुका है, देखिए हमारा चिकन। अब इसको हम लोग सखुआ के पत्ते में डालेंगे। तब हम लोग इसको इस तरह से मोड़ लेंगे। फिर इधर से इस तरह से दूसरा पत्ता देंगे। इसी तरह से इस तरफ भी हम लोग पत्ता देंगे। इस तरह से पत्ता को अच्छी तरह से बांध लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम सारे पत्ते को बांध लिए हैं सखुए के पत्ते में चिकन डालकर। हमारा बन चुका है। ये चिकन के साथ रोटी रहेगा। यहाँ हमारा चूल्हा जल चुका है। मात्र 6 ईंटा देखिए हम लोग यहाँ चूल्हा बना लिए हैं। चूल्हा पे आग लग गया है। देखिए अब ये आग बुझाकर इस पे हम लोग ये सारे पत्ते को डाल देंगे इस तरह से। तो देखिए आधा घंटा हो चुका है और हमारा ये चिकन बन चुका है। अब हम इसको खोल कर दिखाएंगे। देखिए हमारा चिकन पतपोड़ा तैयार है। इसको हम लोग खोल रहे हैं। ये देखिए ये पूरा चिकन बन चुका है। बहुत गर्म है। देखिए तो रोटी के साथ ये चिकन पतपोड़ा खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप भी एक बार ज़रूर बना कर देखिए, एक बार ज़रूर खा कर देखिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।